पूरे मध्य प्रदेश में जहां तहां गौवंश आवारा और परेशान है। गायों के खाने पीने से लेकर उनके रहने तक के इंतजाम नहीं देखने को मिलते। ऐसे में शासकीय गौचर भूमियों पर कब्जे के कारण ये गौवंश परेशान है। कई शासकीय भूमियां हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया है और ऐसे मामलों की शिकायतों पर भी जल्द कार्रवाई नहीं हो पाती। मंगलवार को छतरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक शासकीय गौचर की भूमि पर राजेंद्र रुपेलहा नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। गांव के ही संजय कुमार ने उनकी शिकायत की। शिकायत के बाद पटवारी आरआई ने रिपोर्ट तैयार की और कब्जा करने के आरोपी राजेंद्र के विरुद्ध 50,000 का जुर्माना भी हुआ, लेकिन आज तक जुर्माने के बावजूद वह जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। अब संजय ने एक बार फिर जनसुनवाई में पहुंचकर इस मामले की शिकायत की है और जमीन को कब्जे से मुक्त करने की आवाज उठाई है। ग्राम बछौन के ही एक व्यक्ति राजेंद्र रुपेलहा ने शासकीय जमीन गोचर भूमि पर खसरा नंबर 1215 रकबा 1 हेक्टेयर 222 आरे पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी सूचना मैंने नायब तहसीलदार बछौन के यहाँ लिखित में दी, जिन्होंने प्रकरण 44A-68-22-23 के तहत प्रकरण दर्ज करके अनावेदक के ऊपर 50,000 का जुर्माना किया, लेकिन अनावेदक को आज तक बेदखल नहीं किया गया। कम से कम 2 महीने हो गए। 2 दिसंबर 2022 को आदेश हुआ था, उसके संबंध में 3 बार जनसुनवाई में आ चुका हूं, लेकिन आज तक बेदखल नहीं किया गया। हल्का पटवारी द्वारा रुपए लेकर के अनावेदक की बेदखली की कार्रवाई नहीं की जा रही है।